रोल साउंड सीन 29 शॉट 3 टेक 1 एक्शन अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे कैसे भी पुलिस को फोन कर इस ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कहां जाऊं हां फोन बूथ हो रहा अरे यार डायलॉग बोल ये डायलॉग क्यों नहीं बोल रहा है क्या हो गया इसको तुमने रिहर्सल करवाई थी इसकी सर दो दो बार इसको रिहर्सल करवाई थी पता नहीं क्यों नहीं डायलॉग बोल रहा है क्या हो गया इसको पता नहीं प्रॉम्प्ट कर प्रॉम्प्ट कर हेलो सर आपको 100 नंबर डायल करके बोलना है हेलो प्लीज सर मैं केतन बोल रहा हूँ सर आप क्या कर रहे हो सर आप 100 नंबर डायल करो सर ये वो यहाँ भूत बन के क्यों खड़ा हो गया यार इसको पता नहीं कैमरा कहाँ लगा हुआ है यार ये बोल क्यों नहीं रहा है कट इट जाओ ताकि उसको समझा करके रहा है वहां पे कितनी बार जाओ उसको डायलॉग बोले यार कहां से उठा के ले आते आप भी सुपरस्टार है कोई और नहीं मिला था कष्ट करने के लिए अरे मुझे घोषणा बंद करो यार सर आप डायलॉग बोल क्यों नहीं रहे सर 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 क्या हुआ सर सर ओ सर सर अरे क्या हो गया इनको लगता है बेहोश हो गए देखो अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ क्या हो गया इसे अरे होश में लाओ इसे अरे कोई पानी तो दो इसे अरे इसे होश में लाओ मेरे करोड़ों रुपए लगे फिल्म में मैं लूट जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा इसे होश में लाओ सर उठिए सर क्या हुआ सर एक काम करो डॉक्टर को फोन करो कोई डॉक्टर को फोन करो सर रौनक सर तो मर चुके सर क्या हाँ सर ऐसे कैसे मर गया अरे बंद टेलीफोन बूथ पर कोई मर सकता है क्या अभी तो अच्छा खासा डायलॉग बोल रहा था ये मुझे लगता है जरूर इसको किसी ने मारा होगा अभी सीआईडी को फोन करता हूँ हेलो हेलो सीआईडी कोई चोट का निशान है ना कोई घाव है खून का एक धब्बा तक नहीं कहीं पर भी फिर भी इसकी मौत हो गई कैसे तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी शूटिंग चल रही थी मतलब ये यहां पर एक सीन चल रहा था उस सीन में रौनक वहां से दौड़ के आया और या इस टेलीफोन बूथ में घुसा और फिर वहां खड़े खड़े मर भी गया हाँ सर मेरे बार बार डायलॉग प्रॉम्प्ट करने के बाद भी वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था सर फिर मैंने टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोला सर फिर वो मेरे ऊपर ही आकर गिर पड़े एक बात बताओ जब रौनक वहां से दौड़ते आया इस फोन बूथ में जाने के लिए तब आप में से किसी को भी ऐसे लगा कि शायद रौनक को कुछ लगा हो या फिर किसी ने कुछ मारा हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई किधर फोन बूथ में नहीं सर किसी ने उस पर कोई वार नहीं किया क्या फोन बूथ के अंदर कुछ था जिसे हमारे आने से पहले आपने मिटा दिया हो नहीं सर किसी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया बड़ी अजीब बात है किसी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया ना रौनक के साथ यहाँ पर कुछ भी हुआ फिर भी उसकी मौत हो गई कैसे सर ये मरा नहीं है जरूर इसे किसी ने मारा वैसे आप कौन है सर मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ अच्छा तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर आप हैं और आप डायरेक्टर हैं क्यों ये प्रोड्यूसर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रौनक की मौत नहीं उसे किसी ने मार डाला सर सर मुझे कुछ नहीं पता सर सर मैं तो वहां बैठा अपना शॉट ले रहा था रौनक जो अचानक से दौड़ते हुए और खड़े खड़े उनकी मौत हो गई तुम्हें कुछ नहीं पता यहां पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता फिर भी रौनक की मौत हो गई
सर हमने सुना है कि मिस्टर रौनक की हत्या हुई। आप लोग अंदर कैसे आ गए? सर हमने सुना है इस फिल्म के लिए आपने करोड़ों रुपए का फाइनेंस लिया था। अगर रौनक जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई तो क्या आपका दिवाला निकल जाएगा? ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी इन्हें अंदर कैसे आने दिया? सर आप बताइए। सर आप बताइए। सर सर देखिए तहकीकात का जारी है, जैसे कुछ मिल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक हमें जरा अपना काम करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप पंकज कुछ मिला? नहीं सर, बूथ में कोई भी निशान या सबूत नहीं है। हाँ सर सब कुछ ठीक ठाक है सर। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर आप मेरा विश्वास कीजिए, इसे मारा गया है, इसका खून हुआ है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि रौनक का खून हुआ है या नहीं, और अगर खून हुआ है तो ये भी पता लगा लेंगे कि रौनक का खून किया किसने है। समझे आप? तारिका, इसकी मौत की वजह पता चली? इसकी मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है क्या? नहीं। तो फिर क्या वजह? ब्रेन हेमरेज। दिमाग में खून जम जाने की वजह से मौत हुई है इसकी। लेकिन ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ? एग्जैक्टली इसके सर पर कोई चोट का निशान तो है नहीं, मतलब किसी ने इसके सर पर वार नहीं किया। ये बताना थोड़ा मुश्किल है। इसके ब्रेन के एक्सरे पर ये पतली लाइन देख रहे हैं आप? हाँ, क्या है? यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब डॉक्टर तारिका आप ही को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हमें क्या समझाएंगे? रजत फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि रौनक की मौत दिमाग में खून जम जाने की वजह से हुई है। तो फिर हम इसे क्या समझे, खून या कुदरती मौत? पक्का तो नहीं बता सकती लेकिन मुझे तो लग रहा है कि खून ही है। कुछ और टेस्ट करने के बाद मिसालों के सर के साथ इस केस के बारे में डिस्कस करूंगी और उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी। डायरेक्टर साहब हमें तो पता चला है कि रौनक के साथ आपका 36 का आंकड़ा था। आप रौनक को अपनी फिल्म में बतौर हीरो साइन नहीं करना चाहते थे बल्कि आप किसी और को साइन करना चाहते थे। वो क्या? आपको तो खुशी हो रही होगी, आपके गले का कांटा निकल गया। ये सरासर गलत है मैडम, ये सच नहीं है। रौनक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार था और हर डायरेक्टर यही चाहता था कि उसके साथ काम करे। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से तुम उससे बहुत परेशान थे। क्या छिपा रहे हमसे? हाँ हाँ मैं परेशान था, बहुत नखरे थे उसके। एक तो लेट आना, ऊपर से जल्दी चले जाना, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं पहनना है वो नहीं पहनना है, वगैरह वगैरह। क्या ये तुम्हारी पहली फिल्म है? नहीं मैडम, इससे पहले मैंने एक दो छोटी मोटी फिल्में की हुई हैं, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार के साथ ये मेरा पहला मौका था मैम। मेरा तो करियर अभी शुरू हुआ था, मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ? फिर कौन कर सकता है? हाँ कौन कर सकता है ये घिनौना काम? संकेत ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूँ सर। सर आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए, उस दिन ये किसी बात को लेके मेकअप रूम में रौनक से झगड़ रहे थे। क्या इनका और रौनक का झगड़ा हुआ था आपस में? जी जी सर। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जो मन में आए वो बगे चले जा रहे हो। देखिए सर, मेरे और रौनक के संबंध बहुत अच्छे थे, बल्कि मेरे पिताजी ने रौनक के पिताजी के साथ काम भी किया था। मैंने रौनक को खुद इस पिक्चर के लिए साइन किया था क्योंकि मैं ये बात जानता था कि रौनक अगर ये फिल्म करेगा तो मेरी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। वो मुझे टाइम नहीं दे रहा था और उस दिन तो ये क्या रौनक, डेट्स नहीं है, टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना डेट्स नहीं है मतलब डेट्स नहीं है, प्लीज मेरा दिमाग खराब मत कीजिए आप। दिमाग तो मेरा खराब हो रहा है? रौनक तुम इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो? याद है तुमने एग्रीमेंट साइन किया मेरे साथ? देखो
मैं सिर्फ फिल्म में एक्टिंग के पैसे लेता हूँ, ये टीवी के रियलिटी शोज में जा जाकर फिल्म को प्रमोट करने का वक्त नहीं है मेरे पास, समझे आप? इसका मतलब ये है कि तुम प्यार से नहीं मानोगे? ओ, तो तुम मुझे सुपरस्टार रौनक को धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम कर क्या लोगे मेरा? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हारी ये जो फिल्म है ना इसे बीच में ही छोड़ के चला जाऊंगा, रास्ते पे आ जाओगे समझे? मैं रास्ते पर आ जाऊंगा, मैं चुटकी भर में तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ रौनक, चुटकी भर में। बस मीडिया के सामने जाकर मैंने तुम्हारे और सुप्रिया के रिश्ते की बात बता दी तो तुम उसी समय बर्बाद हो जाओगे रौनक, रास्ते पे मैं नहीं तुम आओगे, तुम। सुप्रिया? सुप्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? सब कुछ जानता हूँ मैं रौनक, तुम्हारे और सुप्रिया का राज सब पता है मुझे, बस मीडिया के सामने जाकर मुंह खोलने की देरी है। संकेत जी, आपस के झगड़े में आप सुप्रिया को बीच में क्यों ला रहे हैं? प्लीज आप मीडिया से कुछ मत बोलिएगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आपकी फिल्म को प्रमोट करूंगा, कुमार जी का साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दूंगा, बट प्लीज इस राज को राजी रखिएगा। और इस ब्लैकमेल से रौनक जी डर गए जी, उसके तो पसीने छूट गए थे, वो मुझे मुंह मांगी डेट्स देने के लिए तैयार हो गया था, पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया था। अब आप ही बताइए सर कि मैं अपने ही हीरो का खून क्यों करवाऊंगा? और ये औरत सुप्रिया कौन है जिसका नाम सुनते ही रौनक इतना घबरा गया था? इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? सर क्या संबंध था ये तो मैं नहीं जानता, एक दिन रौनक मेरे साथ ऑफिस में बैठा हुआ था, फिल्म्स के डायलॉग का नरेशन चल रहा था कि अचानक ये औरत जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आई, वो रौनक से मिलने की जिद करने लगी, वो बहुत गुस्से में थी, चिल्लाने लगी, मेरे ऑफिस में तमाशा खड़ा करने लगी। फिर उसे देखते ही रौनक का चेहरा सूख गया, वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, फिर उसके साथ अकेले में बात करने के लिए रौनक उसे खींचकर दूसरे कैबिन में ले गया। मतलब आपने उन दोनों की बातें नहीं सुनी? जी नहीं, पर मैं ये समझ गया कि रौनक कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है, इसलिए मैंने उसे झूठ मूठ कह दिया कि मैंने दरवाजे के बाहर उसकी सारी बातें सुन ली हैं और मुझे उसके राज का पता चल चुका है। तो ये बात है, आपके पास इस सुप्रिया का एड्रेस तो होगा ना? जी है। क्या बात है सर, कब से बेल बजा रहे हैं कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, लगता कोई घर में नहीं है। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। अच्छे तरीके से घर चेक करते हैं, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, रौनक और सुप्रिया की फोटो उस कमरे में किताब के अंदर छिपा के रखी थी। सही है, देखिए माय गॉड, तो ये चक्कर है, मैरिज सर्टिफिकेट। सर रौनक जी और सुप्रिया जी शादीशुदा थे, पर अगर सुप्रिया रौनक की बीवी थी तो ये बात इतने सालों तक उसने लोगों से छुपा के क्यों रखी? रौनक जी तो रहे नहीं,
अब ये बात उनकी पत्नी सुप्रिया जी बताएंगे। मैम। यस प्रिया। कान की स्किन मैंने चेक की है, वहां कहीं मुझे गन पाउडर नहीं दिखा। ओके। तो फिर हम लोग चलते हैं? नहीं मतलब यहाँ रुकने का कोई फायदा मुझे तो नहीं दिख रहा। फायदा है रजत। क्या? इंतजार खत्म हुआ आप लोगों का। रौनक की मौत गोली से हुई है। गोली से? डॉक्टर तारिका, पहले आपने कहा था कि मौत खून जम जाने के कारण हुई थी, और अब गोली से? मैंने टेस्ट किया है, इसकी मौत गोली से ही हुई है। लेकिन उसके शरीर पर कहीं गोली लगने का निशान तो है नहीं? ना ही कहीं से खून निकला है। फिर गोली से कैसे मौत हुई? क्योंकि ये एक अजीब तरह की गोली है, बिल्कुल सुई जितनी पतली, रौनक के दिमाग में एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। अब आप ये भी बता दीजिए कि गोली चली कहाँ से? ये ढूंढना तो आप लोगों का काम है ना। वैसे फोन बूथ के बाहर से चली होगी। फोन बूथ का कांच बिल्कुल सही सलामत है। सर हो सकता है कांच में छेद इतना छोटा हो कि हमें दिखाई ना दिया हो। सकता है श्रेया। एक काम करते हैं, फोन बूथ के कांच को एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, पता चल जाएगा गोली बाहर से चली थी या अंदर से। फोन बूथ के ग्लास से कुछ पता चला क्या? नहीं सर, अभी तक तीन कांच की जांच हो चुकी है, चौथी की जारी है। इसमें एक जेल है, इसे हम इस कांच के ऊपर डालेंगे। इस कांच पर फैलाने के बाद इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। अगर कांच में कहीं भी कोई क्रैक या छेद हुआ तो यह जेल उस कांच के अंदर जाकर अटक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस कांच में वो छेद कहां पर है। सर, हमने टेलीफोन बूथ को अच्छी तरह से चेक किया था, अंदर कोई सुराग नहीं था। नहीं सर, कांच में ना तो कोई क्रैक है और ना ही कोई छेद। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? बाहर से कोई भी हथियार बूथ के अंदर आए नहीं, फिर ये खून हुआ तो हुआ कैसे? चकनाके के तीन तीन ऑफिसर्स को मार दिया, ये काम अकेले सुप्रिया का तो हो नहीं सकता। जरूर सुप्रिया के साथ कोई था जो उसकी मदद कर रहा है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा, चकनाके पे सीसीटीवी कैमरा तो होना चाहिए। सर वो रहा सीसीटीवी कैमरा, मगर टूटा हुआ है सर, वायर भी लटक रही है। लेडीज बैग शायद सुप्रिया की होगी। सुप्रिया का ही है, उसका लाइसेंस, उसके क्रेडिट कार्ड्स। हो सकता है सर कि इन तीनों ऑफिसर्स ने सुप्रिया को बस में देखा
उसे बस में से उतारा और फिर हमारे आने तक उसे यहाँ पे बिठा के रखा हो सकता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर सुप्रिया अपने साथियों के साथ इन तीनों ऑफिसर्स का खून करके भाग गई तो फिर उसने ये पर्स यहाँ पे क्यों रखी? इसी सवाल का तो जवाब ढूंढना है फ्रेडी। कोई भी मुजरिम इतना बड़ा सबूत पीछे छोड़ के क्यों जाएगा? हो सकता है वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। तारिका, वो सुई जैसी गोली रौनक के एक कान में घुसी और दूसरे कान से निकली, और निकली बड़ी तेजी से। जाहिर सी बात है वार दूर से ही हुआ होगा। एक मिनट, नहीं राजन, वार दूर से नहीं हुआ। तो फिर कहां से हुआ? एकदम नजदीक से, फोन बूथ के अंदर से। लेकिन डॉक्टर तारिका, हमने पूरा फोन बूथ चेक किया था, कांच भी सही सलामत थे। फिर कहीं वो गोली इस फोन के रिसीवर से तो नहीं निकली थी? नहीं श्रेया, रिसीवर से गोली नहीं निकली थी, क्योंकि रौनक को दाएं कान में से गोली घुसी और बाएं कान से गोली निकली, और उसने रिसीवर अपने बाएं कान में पकड़ के रखा था। यानी जो कुछ भी था जिसमें से वो गोली निकली थी वो दाएं कान के करीब था। हाँ, हमें फिर से उसी जगह जाना पड़ेगा जहां पे रौनक की लाश मिली थी। सर, हमने पूरे एरिया को सील कर दिया। वेरी गुड, अब देखते हैं अगर हमारी नजरों से कुछ छूटा है तो अभी मिलना ही चाहिए। सर, शूटिंग के लिए जो फोन बूथ यूज किया था वो इधर रखा गया था। हाँ, फोन बूथ इधर था, और उस फोन के असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये बताया था कि रौनक वहां से दौड़कर आया और इस फोन बूथ में आके खड़ा हो गया, फोन किया। जैसे ही वो असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर आया, उसने फोन बूथ का दरवाजा खोला, तब रौनक अपने पीठ के बल ऐसे यहाँ गिर गया। सर, ये मिस्टर रौनक सुपरस्टार थे मगर एक्टर अच्छे नहीं थे। पकड़, हम यह रौनक के एक्टिंग के बारे में डिस्कस करने नहीं आए, समझे? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि उनको कभी डायलॉग याद ही नहीं रहते थे, इसलिए तो वो ईयरफोन पहनते थे डायलॉग प्रॉम्प्ट सुनने के लिए। क्या कहा तुमने? ईयरफोन, छोटा सा ईयरफोन और माइक्रोफोन, कॉर्डलेस। वो तो हमें लाश के ऊपर से नहीं मिला, फिर माइक्रोफोन गया कहां? वो माइक्रोफोन ढूंढो, यहीं कहीं आसपास ही मिलना चाहिए। ये देखिए सर, यही तो है वो माइक्रोफोन, यही है। उठाओ इसे, संभल के, ध्यान से। देखो कितना छोटा सा माइक्रोफोन है, कितना छोटा सा। लगता है कुछ गड़बड़ है इस माइक्रोफोन में, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। तो
ये देखो, माइक्रोफोन की जाली फटी हुई है, छेद है उसमें। जाली अंदर से बाहर की तरफ फटी हुई है, अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ फटी हुई है, इसका मतलब है इस माइक्रोफोन के अंदर कोई ऐसी चीज फिट की गई थी जो बड़े जोर से अंदर से बाहर की तरफ आई। ऐसे ही चक्कर लगवाती रहेंगी या कुछ बताएंगी भी? मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द खूनी तक पहुंचे। दरअसल एसीपी सर बहुत गुस्से में। क्यों? क्योंकि खूनी तो दूर, अब तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि खून हुआ कैसे। मगर मुझे पता चल गया है कि खून कैसे हुआ। कैसे? इस ईयरपीस पर कोई लोहे की चीज, पिन या सुई वगैरह लगी हुई थी जो रौनक के ब्रेन के आर पार हो गई। आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस ईयरपीस पे ये छोटा सा छेद तो आप लोग देख रहे हैं। इस जाली के लोहे के अंश रौनक के भेजे में मिले लोहे के अंश से मैच होते हैं। इसका मतलब वो चीज जाली से निकलकर रौनक के कान से होते हुए उसके दिमाग में घुस गई। हाँ, लेकिन इतना शक्तिशाली वार करने के लिए इस ईयरपीस में कोई यंत्र, कोई ट्रिगरिंग डिवाइस तो होगा जिसने फोर्स के साथ उस पिन को बाहर फेंका होगा। नहीं, इस पे ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। ये ईयरपीस मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। तो फिर उस पिन से वार हुआ कैसे? वो पिन अपने आप तो बाहर नहीं निकली होगी। ये पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। तब तक हमें उस आदमी का पता लगाना होगा जिसने ये खास किस्म का ईयरपीस बनाया है। इस प्रॉम्प्टर को ध्यान से देखिए, क्या ये आपके यहाँ का है? हाँ, ये तो हमारे यहाँ का ही माल है। पर ये आपको कहाँ से मिला? ये तो रौनक के पास था। रौनक की लाश के पास से। क्या? जी हाँ, रौनक का इस प्रॉम्प्टर से खून हो गया है। सर, पर ये तो एक छोटा सा माइक्रोफोन है, इतनी छोटी चीज से किसी की जान कैसे जा सकती है? जान जा सकती नहीं, बल्कि जा चुकी है। ये देख रहे हैं आप, इस प्रॉम्प्टर की ये स्पीकर की जो जाली है, इसमें शायद किसी ने पिन डाला था। क्या ये पिन आपने डाला था? जी हाँ बिल्कुल, ये पिन मैंने ही डाली थी। लेकिन क्यों डाला था ये पिन आपने? सर, रौनक जी के ऑफिस से उनकी सेक्रेटरी का फोन आया था। उनकी सेक्रेटरी? कोई औरत? हाँ, एक औरत थी, और उसी ने मुझे कहा था ये पिन प्रॉम्प्टर के स्पीकर में डालने। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, पर तभी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। उसने कहा था कि रौनक जी एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने वाले हैं जिसमें खूब उछलना कूदना होगा, इसलिए उन्हें ये पिन चाहिए थी, जिसकी वजह से प्रॉम्प्टर कान में अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन सर, रौनक की तो कोई सेक्रेटरी नहीं थी ना? हाँ श्रेया, इस खूनी ने ये खून बड़ी बारीकी से प्लान किया था। मुझे तो लगता है कि सुप्रिया का भी हाथ है इसमें। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। जिस तरह से वो सिक्योरिटी ऑफिसर को मार के भागी चेकनाके पे, उससे तो यही लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। सुप्रिया को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जल्द से जल्द। तारिका, उस ईयरपीस में कोई यंत्र था या नहीं, कुछ पता चला? नहीं श्रेया, यंत्र ईयरपीस में नहीं बल्कि फोन के रिसीवर में था। फोन के रिसीवर में? लेकिन आपने तो कहा था कि सुई दाएं कान से घुसकर बाएं कान से बाहर निकले, और रौनक ने फोन का रिसीवर बाएं कान पे पकड़ा था, तो फिर यंत्र फोन के रिसीवर में कहां से आया? दरअसल सुई ईयरपीस से बाहर फेंकी नहीं,
बल्कि फोन के रिसीवर से खींची गई थी। खींची गई थी मतलब? आइए मैं दिखाती हूं। ये देखिए, ये है वो सुई जिसे रौनक की मौत हुई, मैग्नेट से चिपकी हुई, और इस चुंबक की वजह से सुई दाएं कान में घुसी और बाएं कान से बाहर निकल आई। जी हाँ, और ये मैग्नेट कोई मामूली मैग्नेट नहीं है, ये खास किस्म का मैग्नेट है जिसे नियोडाइमियम मैग्नेट कहते हैं। इसकी चुंबकीय शक्ति एक मामूली मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा होती है, और इसके अलावा इस मैग्नेट पर ये बैटरी भी लगी हुई थी अलग से, जिसकी वजह से ये शक्तिशाली मैग्नेट और भी पावरफुल हो गया, और पावर बढ़ जाने की वजह से ये सुई आसानी से मैग्नेट की ओर खींच गई। हाँ, और फोन के अंदर इस मैग्नेट में जा चुकी, इस वजह से हमें दिखी भी नहीं। सर इतनी खतरनाक प्लानिंग, ये काम तो किसी इंजीनियर का ही हो सकता है। सही कहा तुमने श्रेया, इंजीनियर। सुप्रिया भी तो इंजीनियर ही है ना, वो एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। हाँ सर, सर मुझे लगता है हमें सुप्रिया से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ श्रेया, सुप्रिया से भी और उस आदमी से भी जो ये खास किस्म का मैग्नेट बेचता है। सर 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, उसके घर पे पता किया तो उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए हैं, हमें शक है कि सुप्रिया ने रौनक जी का खून किया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता सर, ये नामुमकिन है। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुप्रिया तो रौनक की पत्नी, ये बात हमें पता है। देखिए, कुछ और लोग भी मिले हैं सुप्रिया के साथ जो उसकी मदद कर रहे हैं। सुप्रिया चेक नाके पे पकड़ी गई थी, वहां पे 3 पुलिस वालों को मार के वो लोग फरार हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं, आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वो किसी का खून कर ही नहीं सकती। अरे रौनक का तो कभी नहीं, वो दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, कॉलेज में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे सर, और पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अगर ऐसी बात है तो फिर रौनक जी ने अपनी शादी के बाद दुनिया वालों से छुपाई क्यों, क्यों नहीं बताया कि सुप्रिया उनकी पत्नी है? क्योंकि सर उसे ऐसा लगता था कि एक शादीशुदा लड़का सुपरस्टार नहीं बन सकता, और इसलिए उसने अपनी और सुप्रिया की शादी सबसे छुपाई। सुप्रिया को भी कोई शिकायत नहीं थी, और 2 साल पहले। क्या हुआ 2 साल पहले? वो रौनक ने ड्रग लेना शुरू कर दिया था, उसको ड्रग की बुरी आदत पड़ गई थी। क्या, ड्रग्स लेने की आदत? हाँ सर, वो उसने जब से ड्रग लेना शुरू किया तो उसने सुप्रिया को मारना पीटना शुरू कर दिया, और फिर सुप्रिया से ये सब सहन नहीं हुआ तो उसने रौनक को छोड़ दिया और मेरे घर पर रहने के लिए आ गई। फिर 2 महीने पहले रौनक अचानक से हमारे घर में आया, और वो एक अच्छा इंसान बन चुका था, और उसने सुप्रिया से वादा किया कि मैं अब ड्रग कभी नहीं लूंगा। तो सर वो तो दोनों बहुत खुश लग रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। सर लगता है कि सुप्रिया की माँ ठीक कह रही है। हो सकता है, अगर सुप्रिया ने खून नहीं किया तो फिर भाग क्यों रही है? हाँ हाँ सर, नहीं सर, कम से कम 50 पीस का ऑर्डर देना होगा। हाँ नहीं, मैं डिलीवरी तो, सर क्या है, डिलीवरी के लिए आपको अपने बंदे को भेजना होगा। ठीक है ठीक है, मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग CID से। जी कहिए। इस मैग्नेट को ध्यान से देखिए, क्या ये आपके यहाँ से सप्लाई किया गया? जी हाँ सर, बिल्कुल सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट है और ये आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इसमें? सर ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल है, अर्थ मैग्नेट, लेकिन
इस मैग्नेट के बारे में सीआईडी क्यों पूछताछ कर रही है? अबे मैग्नेट से किसी का खून हो गया। क्या खून इस मैग्नेट से? सर ऐसा कैसे मुमकिन है? देखिए ये तो मुमकिन है, लेकिन आप फिलहाल ये बताइए कि ये मैग्नेट आपने किसको सप्लाई किया था? सर दो दिन पहले एक आदमी का फोन आया था, वो इसी साइज का मैग्नेट चाहता था। सर पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक ही मैग्नेट खरीदना चाहता था और मैं तो होलसेलर हूँ सर। फिर क्या मैम, लगता है उसे इस छोटे साइज के मैग्नेट की सख्त जरूरत थी। वो 50 पीस का ऑर्डर देने के लिए रेडी हो गया। फिर मुझे क्या था, मैं भी मान गया। लेकिन आपको कैसे पता कि उसे एक ही चुंबक चाहिए था? मैम जब वो डिलीवरी के लिए आया तो मैंने उसे जब बॉक्स दिया तो उसने बॉक्स में से सिर्फ एक ही मैग्नेट निकाल कर मुझसे बोला कि बाकी के सारे मैग्नेट मैं रख लूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये बाकी के चुंबक हम देख सकते हैं? नहीं सर, वो क्या है कि जगह छोटी है ना, तो मैं स्टॉक ज्यादा रखता नहीं। ठीक है, उसका नाम पता? सर नाम पता भी नहीं है। उसका चेहरा तो देखा था तुमने, स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, उसका चेहरा मुझे याद नहीं है। तुम्हें उसने फोन किया था ना? फोन नंबर है तुम्हारे पास या वो भी नहीं है? जी उसने लैंडलाइन पे फोन किया था सर। अच्छा कितने बजे फोन किया था उसने? शाम को 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच? 6 से 7 के बीच जिसने भी ने फोन किया उनके लिस्ट लिखवाओ। सर मैंने उस मैग्नेट सप्लायर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। इस सीडी में वो सारे नंबर्स हैं जिनसे उस मैग्नेट सप्लायर को उस शाम कॉल्स किए गए थे। That's really good. अब खूनी का आसानी से पता चल जाएगा। एक काम करो श्रेया, इस सीडी को सिस्टम में रन करके देखो। देखो कोई नंबर ऐसे हैं जो इस केस से जुड़े हैं। सर इसका नंबर है? सर उस शाम 6 से 7 के बीच इस लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था, और ये नंबर उस ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है जिसमें सुप्रिया काम करती है। ये क्या चक्कर है? मगर सुप्रिया की माँ को तो पूरा यकीन है कि सुप्रिया बेकसूर है। हाँ सर, और रौनक की मौत से सुप्रिया को कोई फायदा नहीं होने वाला था। इनफैक्ट 2 महीने पहले दोनों में सुलह भी हो गई थी। शायद ये भी तो हो सकता है कि रौनक की प्रॉपर्टी के लिए सुप्रिया ने उसका खून कर दिया। लेकिन सर रौनक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे इन्वेस्टमेंट सुप्रिया के नाम कर दिए थे। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सुप्रिया के कमरे से ही मिले थे। कमाल है, अगर सुप्रिया को पहले से ही पता था कि रौनक ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है तो फिर वो रौनक क्यों मारेगी? सर यही तो समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं श्रेया, इस सुप्रिया के ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ये फोन सुप्रिया के ऑफिस के लैंडलाइन से आया था, उसके मोबाइल से नहीं। मतलब बात कुछ और ही है। Excuse me, यहाँ का इंचार्ज कौन है? जी मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ परेश। क्या बात है सर? देखिए हम लोग सीआईडी से और एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। हमें शक है कि आपके कर्मचारी सुप्रिया ने खून किया है। सुप्रिया और खूनी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। देखिए आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन सुप्रिया ने अपने पति का खून किया है। सर ये टीवी 2 दिन से बिगड़ गया है, इमेज बराबर नहीं आ रही है। ये तो अच्छा हो गया कि यहाँ के मालिक मिस्टर शेखर यहाँ पे 2 दिन से आए नहीं है इस केबिन में। इसका मतलब ये टीवी आपको 2 दिन से प्रॉब्लम दे रहा है? हा? जी हाँ। श्रेया मुझे याद है कि बचपन में टीवी के सामने अगर हम चुंबक रखते थे, मेरा मतलब है मैग्नेट, तो इसकी इमेज खराब हो जाती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था ठीक से। हाँ सर, कहीं इस टीवी के पास भी तो लगता था। सही है, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर इन मैग्नेट्स की साइज बिल्कुल वैसी ही है
जैसी हमें उस फोन के रिसीवर में मिली थी। ये मैग्नेट यहाँ पे कहाँ से आए? सर मैं नहीं जानता ये मैग्नेट कहाँ से आए। मैंने पूछा ये मैग्नेट यहाँ पे कहाँ से आया था? यह जरूर कोई ना कोई आया था। सर दो दिन पहले मिस्टर शेखर आए थे यहाँ पे रात को ये मैग्नेट लेकर। तो मिस्टर शेखर अपने कैबिन में आए थे दो दिन पहले और वो भी रात को, और इन मैग्नेट्स को यहाँ पर रख कर चले गए। इसका मतलब जिसकी तलाश हमें है वो और कोई नहीं बल्कि शेखर ही है। ए, गनी चेकर, क्या हाल बना रखा इसका? मर तो नहीं गई? जिंदा है सर, बच गए तुम दोनों आज। आज का दिन तुम दोनों के लिए आखिरी दिन होता। इसमें हमारी क्या गलती है सर? गलती के बच्चे, कितने घंटे हो गए हम तक होश में क्यों नहीं आई? पूरी बोतल क्लोरोफॉर्म की सुंगा दी क्या इसको? नहीं बॉस, चेकनाका पर जब कांस्टेबल को गोली मारी तो ये भागने लगी, पकड़ने की कोशिश की तो हाथ में काट लिया, शायद इसलिए ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंगा दिया। कितना बोलता है तू, अब चुप कर, जाके पानी लेके इसके मुंह पे छाक। हाँ बॉस। आराम से, प्यार से। होश में आते ही पहचान लिया। सही कहा तुमने, सही मायने में आज पहचाना है तुम्हें। क्या करूं डार्लिंग, मैं मजबूर था। वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, मुझे माफ करना प्लीज। इतना बड़ा धोखा शेखर। मैं धोखेबाज नहीं हूँ सुप्रिया, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार शेखर? पहले तुमने रौनक को मार दिया और अब मुझे यहाँ? तो ये है शेखर, इसी ने सुप्रिया को किडनैप करके रखा हुआ है। सर कुंडों के पास गन्स है, अगर हम सीधे घर के अंदर घुसेंगे तो सुप्रिया की जान को खतरा हो सकता है। एक काम करते हैं, जिस मैग्नेट का इस्तेमाल इस शेखर ने किया था रौनक को मारने के लिए, उसी मैग्नेट का इस्तेमाल हम भी करेंगे। वो कैसे सर? याद है श्रेया तुम्हें, डॉक्टर तारिका ने क्या कहा था कि अगर इस चुंबक पे इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करो तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, बस हमें एक इलेक्ट्रिकल वायर की जरूरत है। आसपास देखते हैं, चलो। रुक! क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? CID। CID? हाँ, CID मिस्टर शेखर। मिस्टर शेखर, जिस तरह मैग्नेट से तुमने रौनक को मारा ना, उसी तरह मैग्नेट से हमने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया। गलती भी नहीं भागने की, CID से कोई नहीं बच सकता। मैं सुप्रिया को पागलों की तरह चाहता था, लेकिन जब उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मगर सुप्रिया तो शादीशुदा थी ना, उसकी रौनक से शादी हो चुकी थी। जानता था मैं सब, मगर सुप्रिया को मैंने 2 साल तक रोते बिलखते देखा था, जिंदगी से निराश हो चुकी थी, तब मैंने उसे संभाला था। वो तो अपने ड्रग एडिक्ट पति को तलाक भी देने वाली थी, उसके बाद हम दोनों शादी करने वाले थे, मगर अचानक एक दिन अचानक रौनक ने अपने ड्रग लेने की आदत छोड़ दी। वो सुधर गया था और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए वो अपनी शादी का ऐलान करने को भी तैयार हो गया। सुप्रिया ने रौनक को माफ कर दिया था और वो उसके पास वापस चली गई। मेरे प्यार और एहसान को भूल चुकी थी वो। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, सुप्रिया को पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि
वो रौनक से बहुत प्यार करती और वो उसे छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आएगी। और इसलिए तुमने रौनक का खून कर दिया और सुप्रिया से शादी करने की प्लानिंग कर ली। अगर तुम सुप्रिया को चाहते थे, उसे प्यार करते थे, तो रौनक के खून के इल्जाम में उसे फंसाया क्यों तुमने? क्योंकि मुझे लगा कि चेक नाका के ऑफिसर्स के खून के बाद सीआईडी को लगेगा कि असली खूनी सुप्रिया ही है। मैं सुप्रिया को कानून से बचाता और फिर सुप्रिया को भी लगता कि जेल जाने से अच्छा वो मेरे साथ अंडरग्राउंड हो जाए और फिर सारी जिंदगी वो मेरे इंसानों के तले दबी रहती। शर्म आनी चाहिए तुम। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें लोग एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन तुमने सुप्रिया को पाने के लिए उसके पति का खून कर दिया। अब कानून इस जुर्म के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी देगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.